बटाला के नजदीकी गांव ढिलवा के पूर्व अकाली सरपंच दलवीर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और सबूत इकट्ठा करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कातिलों पर पहले भी आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनकी लिस्ट भी पुलिस के पास है और पुलिस पर भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इस केस में पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर तफ्तीश कर रही है। इस कतल दे विच मुकदमा ऑलरेडी पहले ही दर्ज हो गया सी। उस तो बाद इहदे विच एक दोषी जिहड़ा अमृतपाल सिंह उहनूं असीं गिरफ्तार कर लिया महाराष्ट्र तो करके लए उधरों। उस तो अलावा बाकी करीब 6 दोषी होर ने जिहड़े साडी गिरफ्त तो बाहर ने, असीं उहनां वास्ते भी वख-वख तरीके दे वख-वख उपराले चल रहे साडे, जिहदे नाल असीं जिहड़ी तुहानूं असीं गल नहीं दस सकदे उह वी असीं बहुत कुछ कर रहे इहदे बारे, जो कि एक साडी अपनी तफ्तीश दा एक रीज़न है। असीं वख-वख शहरां 'च यूपी 'च MP 'च सारे पासे साडियां पार्टियां ऑलरेडी गईआं होईआं, असीं लगातार इहदे 'ते नज़र रखी हुई है। बाकी जिहड़े असीं सारे इहदे रिश्तेदारां दे वी सारे दे रेड ऑलरेडी कर चुके असीं, उहदे बावजूद भी इह जिहड़े दोषी ने एक तां फोन सारे बंद करी बैठे ने, अदरवाइज़ इहनां दे जिहड़े रिश्तेदार वी उह वी साइलेंट ने इस काम दे विच, ते असीं फिर भी काफ़ी लागे पहुँचे हुए ने। असीं मैं भी जल्दी इहनूं अरैसट कर लाँगे, अरैसट करके इहनूं सलाखां दे पिछे सुट्टांगे, क्योंकि मर्डर जिहड़ा कीता उहदे विच इह दोषी ने सारे। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार दोषी गिरफ्त में होंगे। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि जांच से पता चल गया है कि जमीन विवाद भी कत्ल का कारण हो सकता है, लेकिन कत्ल का असली कारण मुख्य आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद ही पता चल पाएगा। बटाला से न्यूज के लिए गुरप्रीत चावला की रिपोर्ट।